Hello guys, welcome back. Now we are discussing an important problem from measure of angles trigonometry. So in this problem you have to find the degree and the radians between the hour hand and the minute hand of a clock 3 past 3. Okay, so what does it means ki jo half past 3 bol raha hai ye exactly. So agar main clock ke hisab se dekhu to basically jab ghadi mein 3:30 होता है तो उसको बोला जाता है हाफ पास 3. तो इसी टाइम पे जब आपका ये क्लॉक जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये जो आर वाला डायल है, ये जो आर वाला डायल है आपको ये थोड़ा 3 से आगे दिखेगा और जो आपका ये मिनट वाला डायल है ये आपका डिट्टो अपने 6 पे दिखेगा. और हमें चाहिए कि जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो कितने डिग्री का एंगल होगा, डेट इज द क्वेश्चन. तो लॉजिक यहाँ पे बहुत सिंपल है. अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो नथिंग वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. मुझे सिर्फ ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे इसी का यहाँ पे बताना है कि ये कितना होने जा रहा है ना, कितने डिग्री ये देगा. तो इस टाइम पे कितना डिग्री आपको मिलने जा रहा है, इट्स अ डाइसी थिंग. फिलहाल तो ये एक डाइसी थिंग है. तो आपको पता है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर लिया जाएगा रेडियन की फॉर्म में तो ये फाइंड कैसे होगा. तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप आर हैंड को देखते हो तो सिंपल सी बात है, अगर आप आर हैंड को देखो तो यहाँ से अगर वो 12 से स्टार्ट होके अगर वो वापस फिर से 12 वो क्लॉक में जाएगी तो वो 360 डिग्री एंगल को कैप्चर करेगी. तो अगर कोई आर हैंड 12 घंटे में 360 को कवर करता है तो 1 आवर में डेफिनेटली वो 30 डिग्री को कवर करेगा. व्हाइल फॉर मिनट हैंड, अगर आप मिनट हैंड को देखो तो 60 मिनट्स में, लेट से ये मिनट हैंड वाला मतलब मिनट हैंड है और अगर ये 60 मिनट से आप लोग यह स्टार्ट कर रहे हैं, चलता रहेगा, चलता है 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45, 55, 60. तो ये 60 मिनट्स में आपने यहाँ देखा कि उसने पूरा 360 डिग्री कवर कर दिया. तो 1 मिनट में डेफिनेटली वो कितना कवर करेगा बेटा आपका मिनट हैंड, वो करेगा आपका 6 डिग्री, है ना. तो इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन, आपने देख लिया है यहाँ पे, आपको मिनट हैंड का पता चला, आर हैंड का पता चला. तो अब यहाँ लॉजिक क्या होने जा रहा है, इफ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन का लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी. तो सबसे पहले देखते हैं भाई 3:30 में, 3:30 में अगर आप यहाँ देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये 3 आवर्स है और यहाँ पे आपका 30 मिनट्स आपको कम्प्लीटली यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या कन्वर्ट करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आर एंड के हिसाब से चलाता हूँ. अगर मुझे इसको आर एंड के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस मिनट को भी आवर्स में चेंज करना होगा. तो ये 3 आवर्स हैं और जब मिनट्स को आवर्स में चेंज करते हैं बेटा तो 60 से डिवाइड करवाते हैं, ये रूल आपको पता है. तो जब मैं 30 को 60 से यहाँ डिवाइड करवाने जाऊँगा तो आपको पता है 1/2 आएगा और ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 7/2, है ना. तो टोटल यहाँ पे 7/2 आवर्स तक आपका ये जो आर हैंड है उसने यहाँ पे रोटेट किया होता. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. और वहीं पे ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड का तो आपको दिख रहा है सीधे बेटा 12 से स्टार्ट हो गया, अगर 6 पहुंच रहा है यानी 30 मिनट्स में पहुंच रहा है तो क्लियरली यहाँ पे 30 मिनट्स आपका क्या हुआ है, जो आपका मिनट हैंड है उसने यहाँ पे वर्क किया है. तो ये लॉजिक आपको अगर क्लियर है सो लेट्स गो फॉर द फाइनल थिंग. एंड द फाइनल थिंग इन दिस क्वेश्चन इज, अब अगर मैं ये देखो, ये जो मिनट हैंड वाला एरिया है पूरा, मैं थोड़ा इसको शेड कर देता हूँ आपके लिए ब्लू कलर से. तो मिनट हैंड को अगर आप देखो तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा कवर किया, है ना. और वहीं आपका जो ये आर हैंड है उसको मैं अगर यहाँ रेड से रिप्रेजेंट करूँ तो उसने भी यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक कवर किया था. गॉट इट. तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं करना है तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ एंगल की बात करनी है तो एंगल कितना कवर होगा आपका, ये जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड ने
जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया या जितना भी उसने कवर किया, जिसको मैंने आपको दिखाया था ब्लू वाले पार्ट से, और अगर मैं उसमें जितना भी मेरे आर हैंड ने कवर किया, जितना भी मेरे आर हैंड ने कवर किया, अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली आई विल गेट माई आंसर। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे मेरे मिनट हैंड ने कितना कवर किया, मेरे मिनट हैंड ने कवर किया था 30 मिनट्स, और हर मिनट में क्योंकि 6 डिग्री होता है तो ये हो गया आपका 180 डिग्री, तो मेरे मिनट हैंड ने कवर किया है। वहीं अगर मैं आर एंड में जाऊं तो आर एंड में आपने देखा कि 7/2 आवर्स हुए थे टोटल, और हर आर में आपने देखा कि 30 डिग्री यहाँ पे है। इसको अगर मैं 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज 15, 15 × 7 इज 105। तो अगर मैं 105 को माइनस करवाऊँ 180 से, तो आई विल गेट 75 एज माई आंसर। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव सीन कि 75 डिग्री इज अवर आंसर जब उसने हमसे डिग्री में आंसर मांगा है। और वहीं अगर मैं इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं, तो रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर मुझे किसी डिग्री को कन्वर्ट करना होता है रेडियन की फॉर्म में, तो रूल इज वेरी सिंपल। आप अपनी इस डिग्री को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पाई बाय 180 से, है ना? और जब आप इसको पाई बाय 180 से डिवाइड करवा देंगे तो 5 की टेबल में दोनों आता है, इवन 15 की टेबल में दोनों आते हैं। तो 15 × 5 एंड दिस इज 12 × 15। तो फाइनली अगर आपको इसका आंसर रेडियन में देखना था तो वो आंसर आपको मिल जाएगा 5 पाई बाय 12। तो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स आर देयर इन द इंटरनेट, बट दिस इज द प्योर लॉजिक जो आपने देखा। आपने यहाँ सिंपल सा क्या देखा कि जितना भी मिनट हैंड ने कवर किया था, आपने उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया, ये जो आर हैंड वाला जितना भी कवरेज हुआ था एंगल का, और वहीं से फिर जो आपका ये रिमाइंडर बचा था वो आपका आंसर आ गया। तो क्लियरली ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होपफुली क्लियर होगा। थैंक यू।